हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कल हमने क्या आकलन किया था, और कल के साथ साथ मैं परसों का आकलन भी आज आपके साथ करूंगा। देखिएगा, परसों हमारी वीडियो का जो शीर्षक था वो था कि एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। और मैं रोज ये की बात कर रहा था कि भाई रेड कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो एक रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन कल जिस तरीके से निफ्टी की क्लोजिंग हुई, जिस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा थे उनको देख के मैंने कल अपना रुख बिल्कुल बदल दिया था। और उसका रुख बदलने का जो मुख्य कारण था वो निफ्टी की क्लोजिंग थी। और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, हालांकि बैंक निफ्टी में उतने खतरनाक नहीं थे, बट निफ्टी में जिस तरीके का ऑप्शन चेन के डेटा थे कल, उन ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी कल, और उसके अलावा जो प्राइस एक्शन थे, प्राइस एक्शन तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि प्राइस एक्शन एक्चुअली मैं जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता था वो वर्किंग नहीं है, बट फिर भी प्राइस एक्शन था। तो मेरा जो आकलन था वो ये था कि भाई अब ये अगर सारी चीज़ें क्लोज हो गई है और बुल्स की तरफ से कहीं पर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, और जब हम रिलीफ की बात कर रहे थे तब भी रिलीफ ना मिलकर उसके अगले दिन फिर क्लोज हो रहा है नेगेटिव, तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई अब आगे एक वीकनेस होगी। और शीर्षक भी हमने रखा था, अब गई भैंस पानी में। तो लेकिन आज हुआ बिल्कुल उसके विपरीत, और बाजार खुलते के साथ ही स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, और उसके बाद जो है बाजार के अंदर प्राइस एक्शन भी मजबूत हुआ। और अब हमें लगता है, क्योंकि देखिएगा अगर 8-9 दिन की रेड कैंडल है, इतनी जबरदस्त सेलिंग है, तो एक चीज तो पक्की है कि जो रिलीफ आएगा तो जो लोग खरीदने का इंतजार कर रहे थे भाई अभी और गिरेगा और गिरेगा, तो उनका एक पोज हो जाता है कि चलो भाई अब बाजार गिरना बंद हो गया, तो वो अब इंतजार की घड़ियां उनकी खत्म होती है, थोड़ी सी बाइंग वहां से भी आती है। दूसरा, अदानी ग्रुप के हिसाब से भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा वहां से भी रिलीफ मिल रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है, हालांकि वो यहां से तकरीबन 320 पॉइंट दूर है, लेकिन अक्सर जब एक रिलीफ रैली आती है या इस तरीके की सेलिंग आती है तो बाजार अपने 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं बाजार के अंदर कोई स्पेशली बहुत बुलिश हो गया हूँ, लेकिन बाजार जब इतना ओवरसोल्ड होता है तो बाजार अब कुछ समय के लिए या तो साइडवेज रह सकता है या ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देख सकता है। तो मुझे अभी जो है मेरा कल का जो आकलन है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी जिस तरीके की जो रैली थी वो वास्तव में, जब इस तरीके की रैली आती है तो शॉर्ट्स भी कवर होने के लिए आते हैं, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि शॉर्ट्स अब कितने बचे हैं। तो अक्सर जब इस तरीके की 8-9 दिन की गिरावट होती है तो इस रिलीफ रैली के अंदर अब या तो पूरा दोबारा से एक रैली बन जाती है, या रैली नहीं बनती है तो बाजार कुछ रिलीफ देके फिर साइडवेज होके फिर बाजार दोबारा से नीचे की तरफ आते हैं। तो अभी जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है वो मेरे लिए पहला हर्डल पॉइंट है, और मुझे लगता है कि अगर बाजार उसके आसपास जाएंगे तो वहां पर एक तरीके से जो लोग अभी 100 दिन से फंसे हुए हैं, सीधी सी बात यह है कि 100 दिन का मूविंग एवरेज है, तो 100 दिन की जो ट्रेडिंग हुई है उसके आसपास जब बाजार जाते हैं तो फिर वहां पर या तो बाजार साइडवेज हो जाते हैं या बाजार ऊपरी लेवल पर सेलिंग देखते हैं, या तो साइडवेज के बाद बाजार नए दायरे की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। तो अभी ऐसे फंडामेंटल रीजंस तो लग नहीं रहे, तो हमें यही लग रहा है कि बाजार 100 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर सकता है, बट सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये भी आने वाले समय में देखेंगे। तो मेरा जो व्यू है वो साइडवेज है। ट्रेडिंग के एंगल से अगर हम बात करें तो कल दोपहर के बाद, क्योंकि आज जो भी शॉर्ट्स हैं तो वो सुबह भी एक हम अच्छी ओपनिंग जो है एंटिसिपेट करेंगे, और जिन लोगों ने आज शॉर्ट नहीं काटे हैं वो कल शॉर्ट काटेंगे। और जब से रिटेलर्स जो है ऑप्शन चेन्स में, जो ऑप्शन में जो एक्टिव रहते हैं, तो बाजार में अक्सर जो आज ऑप्शन लिखी गई थी तो जनरली कॉल राइटिंग थी बड़ी जबरदस्त। और मैंने भी ये कहा था कि भाई मैं तो अग्री सौदे लेके नहीं जाता जो आज अगर इतने जबरदस्त जो एनालिसिस मैंने शाम को किया, तो हालांकि देखिएगा मेरी पोजीशन मंदी की थी नो डाउट, तो जो मंदी की पोजीशन थी उसमें स्टॉप लॉस जो है सुबह सुबह कटते हुए नजर आए, और उसका तो प्राइस एक्शन ने बता ही दिया था, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ जब नहीं आते हैं और स्टेप वाइज वॉल्यूम जो है कल लास्ट के आधे घंटे में बड़ा भी था, लेकिन एफआईज के जो डेटा थे वो काफ़ी नेगेटिव थे, और फंडामेंटल्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है या कुछ है, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जब 8-10 दिन आप गिर रहे हो
तो बाजार जो है एक बार संभलने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। तो हमने हालांकि सोमवार के बाद हमने मंगलवार भी एंटिसिपेट किया था कि शायद थोड़ी सी रिलीफ होगी, लेकिन फिर मंगलवार को जिस तरीके से डेटा बने, फिर हम दोबारा से एग्रेसिवली जो है हमें लगा कि भाई अब तो और मंदी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, कल का जो हमारा एनालिसिस था उसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ, और गलती क्या, देखिएगा बाजार है और बाजार में गलती तो होंगी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं 100% जो है करेक्ट होगा, बट जो डेटा थे तो डेटा इसीलिए जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनकी शायद ऑप्शंस जो है कॉल साइड में ज़्यादा थी, और शॉर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे थे, भाई अब तो बाजार नीचे ही जाएगा। और हमें भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी में पोजिशंस बनी थी तो वहाँ पर एक गलती हुई, और गलती का खामियाजा भैया स्टॉप लॉस काटने के बाद आपको भुगतना पड़ा। क्योंकि कल का जब डेटा हम देख रहे थे तो मैंने यही बोला था, देखो ये सारी तीन कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, और मैं यहाँ बल्कि उम्मीद कर रहा था जब परसों थी, मैंने कहा भाई एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन वो और गिरने के बाद आया। तो अभी हमें लगता है कि जो मैंने भी आपको 100 डेज की मूविंग एवरेज है तो वो फिर यहाँ के रेजिस्टेंस के आसपास भी आती है, 17,700 के आसपास। तो हो सकता है कि अगर ये होगा भी, मान लेते हैं, तो ये कल कल के लिए, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्लेयर्स हैं उन्होंने पोजीशंस बनाई, फिर वो भी पोजीशंस हो सकता है कि दोपहर तक 2-2.5 बजे तक अपनी पोजीशंस को जो है स्केयर ऑफ कर लें, और उसके बाद फिर पोजीशंस दोबारा से माइनस की तरफ बन जाए। अदानी इंटरप्राइजेस जो है आज की डेट में सबसे पॉजिटिव मोमेंटम वहीं से आ रहा है, TCS, रिलायंस, SBI, और ये देखिए सब ओवरसोल्ड स्टॉक थे, TCS, रिलायंस, ये दोनों आए। और जब अदानी को रिलीफ मिलेगी तो SBI को भी और एक्सिस बैंक को मिलनी लाजमी थी, तो वहां से भी रिलीफ आया, तो ट्रेडर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया। इधर ब्रिटानिया पावर ग्रिड, HDFC बैंक, सिप्ला और SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये कमजोर थे आज। खाली HDFC बैंक निफ्टी में अकेला कमजोर शेयर था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत इंप्रूव हो गई, और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी भी जो है हम मान सकते हैं कि लास्ट के आधे घंटे में वो भी आई। अदानी इंटरप्राइज, हिंडाल्को, UPL, SBI, एक्सिस बैंक, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी ब्रिटेनिया पावर ग्रिड, सिप्ला, भारत पेट्रोलियम और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज में। अब यहाँ पर हमारा जो व्यू निकल के आता है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर जब इस तरीके से एक रिलीफ रैली आई, तो अभी देखिएगा मेरा यही है, ये साइडवेज ही हम बाजार को एंटिसिपेट कर रहे हैं, और दोपहर के समय पर हो सकता है कि 0-0 कॉल के अंदर जो नीचे की तरफ से पुट राइटर्स हैं वो दोबारा से एग्रेसिव हो जाए। और क्योंकि घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में शायद जो इस हफ्ते तक के शॉर्ट्स पोजीशन थी वो सब कवर हो चुकी होंगी। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक के अंदर तो देखिएगा अब 100 डेज की मूविंग एवरेज कैसे पहुंच ही गया है, तो 40,698, और यहाँ से मात्र 50-60 पॉइंट दूर है 100 दिन की मूविंग एवरेज। तो आज भी आप देखेंगे तो उसके तकरीबन 20-25 पॉइंट दूर रह गया था, तो उसके आसपास पहुंच ही गया था निफ्टी बैंक। तो ये इसके लिए निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा यहीं पर जहां पर है बाजार, और ऊपरी लेवल से, क्योंकि आप 100 दिन के ट्रेडिंग रेंज के आसपास पहुंचोगे तो वहां पर जो लोग ट्रैप हो रखे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन कल जो है ऑप्शन की एक्सपायरी है, तो क्लोजली देखना पड़ेगा कि भाई अगर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हुए तो इन लेवल्स को भी क्रॉस करके थोड़ा ऊपर अगर बाजार टिकता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो उस केसेस में 40,800 से लेके 41,000 के आसपास बाजार जा सकते हैं, बट वो ओनली फॉर टुमारो है, मतलब कल के लिए। फिर हो सकता है कि यहाँ पर या तो दोपहर के अंदर ही बाजार जो है टर्न ले ले, और हो सकता है कि अगर आज ही शॉर्ट कवर हो गए तो फ्लैट खुले और बाद में, और बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा जल्दी वीक होगा। अब बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ जल्दी दिखाई है, ध्यान रखिएगा पिछले जब निफ्टी कमजोर था पिछले 3 दिनों में, हाँ सॉरी आज छोड़ के पिछले अगर 2 दिनों में देखे तो निफ्टी कमजोर था, बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से मजबूत है। तो बैंक निफ्टी जल्दी पहुंच गया अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास भी, और कैंडल भी एक जबरदस्त ग्रीन बनी है। तो ये देखिएगा ये लेवल्स भी 40,800 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो टेक्निकल चार्ट्स पर भी इन सारी जो कैंडल्स के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ था वो उन लेवल्स के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जो है बाजार इसी तरीके से शायद आपको रिएक्ट करते हुए नजर आए। SBI, एक्सिस बैंक, कोटक, महिंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब तेजी में था। HDFC बैंक कमजोर था खाली, और आज सारे शेयर तेजी में थे, और फेडरल बैंक अग्रणी था। FIs ने आज भी मामूली सी सेलिंग की है, और DIs ने 1498 करोड़ की, तो ऐसा कोई संकेत नहीं है अभी कैश मार्केट की सेलिंग से, लेकिन FIs थोड़ा सा बैकफुट पे, आज उन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी काटे कवर की, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो ऑप्शंस की बाइंग है वो 2353 के, तो बड़ी ऑप्शंस की बाइंग नहीं है,
तो जब बड़ी ऑप्शंस की बाइंग नहीं होती है तो भी ऐसे चांसेस होते हैं कि साइडवेज मार्केट रहने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज, तो बैंक निफ्टी में पुट राइटर एग्रेसिव हो गए हैं, तो जो 0.55 पे चल रही थी वो 0.7 पे आ गई है, और बैंक निफ्टी में पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव। और इसी डेटा को देख के ऐसा लगता है कि अब रिटेलर्स ने, मान लीजिए कल कॉल बेच के गए थे और आज पुट बेच के गए हैं, तो अगर ये रिटेलर्स की पुट बिकी है तो फिर देखिएगा इस एंगल से अगर हम देखें तो बाजार खुलने के बाद, बैंक निफ्टी स्पेशली खुलने के बाद थोड़ी देर पोज ले और फिर नीचे की तरफ स्लिप होता हुआ नजर आए। निफ्टी शायद आपको दोपहर तक अपने आप को संभाल ले, लेकिन बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा कि जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है उसके आसपास जो है बाजार या तो कंसोलिडेट करें, साइडवेज हो जाए, या वहीं से थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको जो है रुख करते हुए नजर आए। क्योंकि वॉल्यूम तो था आज, अगर हम शेयर्स के वॉल्यूम्स को देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगी, आज कोटक महिंद्रा बैंक में डबल वॉल्यूम था, एक्सिस बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम से 20% ज़्यादा वॉल्यूम था, SBI में भी 20% ज़्यादा वॉल्यूम था। तो ये संकेत क्या दे रहे थे, ये संकेत यही दे रहे हैं कि भाई वॉल्यूम इनके अंदर है, तो इसका मतलब जनरली ये ट्रेडिंग मूव है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े मात्रा में माल खरीद कर जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप कर रहे हैं। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज आज जो है फ्लैट अभी चल रहा है, हालांकि अभी मैं ये वीडियो स्टार्ट की तो तकरीबन 0.25% की कमजोरी आ गई थी। और ब्रांड क्रूड के रेट थोड़े से तेजी से लिए हैं क्योंकि US की जो इन्वेंट्री है वो कम होती हुई नजर आई है। ऑप्शन चेन के डेटा से देखिएगा आज, मतलब अगर कल की बात करें तो कल का तो सारा ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस तो वैसे ही होता है, लेकिन वास्तव में जो कल ऑप्शन चेन के डेटा थे वो ट्रैप करने वाले डेटा थे। अगर आज मैं ऑप्शन चेन के डेटा को बात करूं तो आज देखिएगा जो 17,400 के ऊपर राइटिंग होगी, कल मैं यही बात कह रहा था भाई, जबस कॉल राइटर बैठे हुए हैं, सब हट गए हैं। अब अगर हम नॉर्मल केस में देखें, अगर आज ट्रैप नहीं है तो आज और कल के बीच में 17,500 और 17,600 को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि कल भी हमने बात की थी तो यहाँ पे दोनों जगह पे 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये अनवाइंड नहीं हुई है। 17,400 के अंदर 300 के अंदर अनवाइंडिंग हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली 17,400 और 17,500 के आसपास बाजार कल दिन भर, हो सकता है 520 तक भी चला जाए, 17,400 17,500 के बीच में बाजार झूलना चाहिए। और ऊपर की तरफ के दायरे हमें इसलिए नहीं लग रहे कि अगर बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी तो फिर 17,500 पार कर पाना मुश्किल होगा। तो 17,400 पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो मेरा कल का जो आकलन है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी 17,400 के आसपास, यानी कि 50-60 पॉइंट इधर या उधर होने की संभावना ज़्यादा है। और ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस है, अगर कल की तरह अगर आज भ्रमित नहीं करे डेटा ने तो 40,500 की पुट के ऊपर काफ़ी जबरदस्त जो है राइटिंग थी, कॉल राइटिंग, आज वो कॉल राइटिंग अनवाइंड होती हुई नजर आई और 40,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी शायद कल 40,500 के आसपास या उसके नीचे जो है मुझे लगता है एक्सपायरी होने की संभावना है। हालांकि कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 40,500 के ऊपर पुट राइटर बैठे हैं तो पुट राइटर्स ऊपर तो कि ना खींचे बट 40,500 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आज की तरह रिटेल इन्वेस्टर ही अगर पुट राइटर हैं तो फिर वो ट्रैप हो सकते हैं। उस परिस्थिति में 40,500 के आसपास या 40,500 के नीचे हम एक्सपायरी जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े मूव्स जो है ऊपर की तरफ तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा कल के लिए, क्योंकि देखिएगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पोजिशन थी, बहुत ज़्यादा मतलब आप भी समझ लो 9 दिन अगर आपकी रेड कैंडल बन रही है निफ्टी में तो रिलीफ तो देखिए आना है। अब रिलीफ 1 या 2 दिन तो चलता ही है, तो अब हम कल जो है न्यूट्रल है और प्राइस एक्शन देख के जो है मूव करेंगे। दोपहर के अंदर हमें लगता है कि ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं, तो वो देखेंगे क्लोजली कि भाई वहाँ पर बाजार टूट रहा है या ऑप्शन चेन के जो डेटा है वहाँ पर जो है पुटमैन वाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है 1:30-2 बजे के आसपास। तो अगर पुटमैन वाइंडिंग होती हुई वहाँ पर नजर आएगी तो फिर बाजार नीचे की तरफ आ सकते हैं, बट रेंज बाउंड टू नेगेटिव ट्रेड की ही हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं। बाजार और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, बट मुझे अब लगता है कि कल शायद बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी और निफ्टी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के सामने थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।